हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। ये देखिए, ये ड्रेस मैंने अपने घर के कान्हा जी के लिए बनाई हुई है। कैप भी बनाया है। कैप के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा कैसे बनाया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप 12 चैन बना लीजिए। देखिए, ऐसे बनाते जाइए 12 चैन, 1 2 3 4 5। ऐसे आप 12 चैन बना लेंगे। और 12 चैन बनाने के बाद जो सबसे पहली चैन है, देखिए जो सबसे पहली चैन है उसमें इसको डाल के सिंगल क्रोशिया निकाल के एक होल बना लेंगे। ये बन जाएगा कान्हा जी का नेक। ये ड्रेस का नेक बनेगा। अब ये सर्कल बना है, इसमें से आपको 24 बार सिंगल डबल क्रोशिया लेना है। देखिए, हमने सर्कल बना लिया, अब हम इसमें से 24 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ ना, ऐसे ही बस। देखिए, और जहाँ पे ये 24 पूरे हो जाएंगे, 24 क्रोशिया पूरी होगी, हम इसको एक सिंगल क्रोशिया करके बंद कर देंगे। ये देखिए, देखिए पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने 24 बनाए हैं, इनमें से शुरू के 6 फंदों में सिंगल सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, शुरू के जो 6 फंदे हैं, इनमें से हर एक फंदे में से सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए, निकाल लिया। उसके बाद आगे के 6 फंदे गिनेंगे, उनको खाली छोड़ देंगे। आगे के 6 फंदे गिन के 7वें फंदे में से सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये बन जाएगा आर्म होल। देखिए, आर्म होल बन गया। इसके बाद जो फिर 6 फंदे हैं, उनमें से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, 6 में निकाल के फिर 7वें में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया डालेंगे। और जब हम ये 7वें वाले में सिंगल क्रोशिया डालेंगे तो ये दूसरा आर्म होल बन जाएगा। देखिए, दोनों में डालेंगे तो मिला के सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, तो ये जो आखिर के 6 फंदे बचे थे ना, इनमें दूसरा आर्म होल बन जाएगा। आर्म होल बना के सिंगल चैन से इसको बंद कर देंगे और ये बन जाएगी चोली। ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं उसकी चोली बन जाएगी। देखिए, और ये 0 से 1 नंबर के लिए है, तो बहुत ही आराम से आ जाएगी। देखिए, अब क्या करना है आपको, अब ये नीचे का घेरा बनाएंगे हम। तो इसके लिए ये जितनी भी गोलाई है, इसमें जितनी भी चैन है, सब में से आपको दो बार डबल क्रोशिया लेना है। हर एक चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया लेते जाइए और ऐसे ही पूरा सर्कल आप पूरा कर लीजिए। ऐसे ये घेरा बनता चला जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, डबल क्रोशिया लिया मैंने, फिर उसी में से दोबारा से डबल क्रोशिया लूँगी। ऐसे ही डबल क्रोशिया करते करते आप कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। देखिए, यहाँ पे डबल क्रोशिया पूरा होने वाला है ना। जैसे ये पूरा होगा, वहाँ पे हम इसको एक सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। देखिए, मैम, इसमें ना ये ड्रेस का जो घेरा है वो 3 बार में बन जाएगा। पहला हमने बना लिया हर एक चेन में से डबल क्रोशिया लेके। अब जो दूसरा बनेगा, सेम ऐसे ही हम उसको भी रिपीट करेंगे। इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, सिंगल क्रोशिया जब भी पूरा हो जाएगा घेरा, उसको बंद कर देंगे। उसके बाद जो अगली लाइन है वो सेम ऐसे ही बनेगी। हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जैसे आपने ये पहला वाला बनाया ना, हर चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया, ऐसे ही सेम दूसरे वाले में भी हर चेन में से डबल क्रोशिया बनाते जाइए। देखिए, मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए ध्यान से। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। और थर्ड वाले में कुछ नहीं करना है, जब ये 2 पूरे हो जाएंगे तो तीसरे वाले में सिर्फ हमें झालर बनानी है। झालर बनाएंगे और ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने ये पूरा कर लिया है, ये देखिए। अब जहाँ पे पूरा हुआ हम इसको सिंगल लाइन से बंद कर देंगे और बस आगे भी पूरा ऐसे ही बनाते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे और आपको दिखने लगेगा कि ये घेरा कितना बढ़िया से बन रहा है, गोलाई आ जाएगी एकदम। ये 0 से 1 नंबर का है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं 0 से 1 नंबर के खाना जी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पूरा ही होने वाला है, ये वाला घेरा भी हमारा। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा हो गया ना ये, ये देखिए दोनों लाइन कंप्लीट हो गई है चोली के बाद। देखिए अब हम इसकी झालर बनाएंगे, दो लाइन कंप्लीट के बाद झालर बनाएंगे। झालर बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो ये चेन है इसमें से आपको 3-3 बार डबल क्रोशिया लेना है, एक ही चेन में से आप 3 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे और इसको झालर बनाएंगे। एक बार में आपने निकाल लिया एक फंदे में से 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक बीच का फंदा छोड़ देंगे, फिर उसके अगले वाले में डालेंगे, उसमें से बनाएंगे। मतलब अगर आपने पहले वाले में बनाना शुरू किया उसमें से 3 बार आपने डबल क्रोशिया निकाला, अगला वाला छोड़ देंगे, फिर उससे अगले वाले में डालेंगे, एक छोड़ के एक में आपको डालते जाना है और बनाते जाना है, ऐसे ये झालर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पूरे में ऐसे रिपीट करना है, देखिए मैं दिखा रही हूँ, ऐसे आप करते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम लास्ट में पहुंच गए हैं, अभी कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से और धागे को पीछे ले जाके पक्का कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से धागा बाहर ना निकले और पक्का रहे। ये देखिए ये है फाइनल लुक फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।